एसकेपी 7 न्यूज शेखपुरा। हर महीने 5,64,00,000 की बिजली खरीद, वसूली मात्र 2 करोड़, 1.5 करोड़ की बिजली चोरी। शेखपुरा जिले में हर महीने बिजली विभाग 5,64,00,000 की बिजली खरीद करता है, लेकिन हर महीने मात्र विभाग को 2 करोड़ रुपए की वसूली ही हो पाती है। इसकी जानकारी देते हुए विद्युत कार्यपालक अभियंता अरविंद कुमार ने बताया कि बिजली विभाग हर महीने उन्हें 5,64,00,000 की बिजली देती है, लेकिन मात्र हर महीने 2 करोड़ की ही वसूली हो पाती है। उन्होंने बताया कि 1.5 करोड़ की बिजली हर महीने चोरी होती है और हर महीने 1 करोड़ रुपए का बिजली बिल बकाया रह जाता है। ऐसी स्थिति में उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने बताया कि 10 साल में शेखपुरा के बिजली विभाग पर विभाग का 70 करोड़ रुपया बकाया है। उन्होंने बताया कि बकायेदार बिजली उपभोक्ता पर शिकंजा कसने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि बिजली विभाग बिजली तो देती है, लेकिन बेवजह लोग बिजली को बर्बाद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नगर परिषद के बिजली खंभों पर दिन रात बिजली जलती रहती है, उसको देखने वाला कोई नहीं है। बेवजह बिजली की बर्बादी होती रहती है। विद्युत कार्यपालक अभियंता अरविंद कुमार ने बताया कि नगर परिषद पर 1,26,26,782 रु मार्च तक बकाया है। इसमें उनके द्वारा 60,85,093 रु जमा मार्च तक किया गया है। 30 लाख पर भुगतान को लेकर उनके द्वारा विवाद खड़ा कर दिया गया है। ऐसी परिस्थिति में बिजली विभाग और राजस्व की क्षति होती है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली बिल की वसूली नाम मात्र है और उल्टे बिजली की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन भी किया जाता है, जबकि शहरी क्षेत्रों में बिजली उपभोक्ता 80% हर महीने बिजली बिल का भुगतान कर देते हैं। उन्होंने कहा ऐसे कई सरकारी भवन भी है जिस पर बिजली बिल बकाया है। मार्च तक PHED मैकेनिकल विभाग पर 19,74,959 रु, PHED सिविल पर 20,25,668 रु, नलकूप विभाग पर 2,55,20,867 रु, नगर परिषद पर 1,26,26,782 रु, पुलिस विभाग पर 89,678 रु, स्वास्थ्य विभाग पर 4,38,785 रु, जिला प्रशासन पर 8,23,537 रु, शिक्षा विभाग पर 95,835 रु बकाया है। उन्होंने बताया कि बकाया राशि में उन सरकारी विभागों द्वारा कुछ जमा भी कराया गया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा जो बिजली बिल में डिफॉल्ट हो चुके हैं उनके कनेक्शन काट दिया जाएगा, उनके ऊपर बिजली बिल बकाया को लेकर सर्टिफिकेट केस भी किया जाएगा। अभी जो सिचुएशन है, क्या है सिचुएशन? अभी इस बात को समझिए कि हम लोग 5,64,00,000 रुपए का बिजली खरीद रहे हैं और उस खरीद के लोगों को बिजली देते हैं, उसके एवज में बिजली विभाग को 2 करोड़ महीने का रेवेन्यू आ रहा है। बाकी या तो बिजली चोरी हो रहा है, थेफ्ट हो रहा है, या तो लोग बकाया पैसा नहीं दे रहे हैं। मेरा असेसमेंट अभी तक यही है, जो AT&MC लॉस मेरा है लगभग ग्रामीण क्षेत्रों में 55% है, मतलब आधी बिजली चोरी हो रही है या मेरा AT&MC लॉस है। अभी तक 10 सालों का मैंने कैलकुलेशन किया था तो लगभग पूरे से पूरा जिले पे 70 करोड़ बकाया हो चुका है, जो कि ये ऐसे बकायेदार हैं जो बिजली का यूज करते हैं और मिसयूज लगभग 55% बिजली का मिसयूज हो रहा है। कहता है 1 करोड़ बकाया आपका हर महीने बिजली का रह जाता है ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में दोनों मिला। ग्रामीण क्षेत्रों का जो मेरे पास आंकड़ा है, मुश्किल से 5% से लेके 8% तक का पेमेंट ग्रामीण क्षेत्रों से आता है। अभी जो भी रेवेन्यू शेखपुरा जिले का है वो अर्बन क्षेत्र RAPDRP बोलते हैं, जो शेखपुरा नगर परिषद से और बरबीघा नगर परिषद क्षेत्रों से लगभग 70-80% रेवेन्यू आता है। बाकी ग्रामीण क्षेत्रों से रेवेन्यू नगर में है, लोग जागरूक नहीं है, देना नहीं चाहते हैं, उनकी अपनी परेशानी है। लेकिन हम लोगों ने इसके लिए सोच रखा है कि अब जो भी डिफॉल्टर्स हैं उनकी बिजली काटी जाएगी और जो जिनकी बिजली काटी गई है पूर्व में उन पर नीलाम बाद दायर किया जाएगा। कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि दिन में भी आपके बिजली को नगर क्षेत्र में बिजली की खपत हो रही है, जलता रहता है, तो इसके लिए आपने विभाग अपने विभाग से नगर परिषद को कभी इस तरह का सूचना उपलब्ध करवा पाए? नगर परिषद से समन्वय की कोशिश हुई है, उन लोगों से बात भी हुई है। अभी उन लोगों को बता दिया गया है कि जो भी अभी नया स्कीम के तहत केबल लगा है उसमें एक फेज स्ट्रीट लाइट के लिए ही है, तो हम लोग अब कोशिश करेंगे कि उस एक वायर पे सारे स्ट्रीट लाइट को लाया जाए और मीटरिंग किया जाए। अभी जो हो रहा है
कि सारे भी लेवरेज पे बन रहे हैं, तो उनका यूनिट तो उठ नहीं पा रहा है, वो अपना एवरेज पे बिल देते हैं। तो अब जब उनका मीटरिंग होने लगेगा तो हो सकता है कि वो लोग अपना डे टाइम में बंद रखे, नाइट में चालू रखे। इस परिस्थिति में तो नगर परिषद पर तो काफी बकाया हो गया होगा आपका। बकाया की स्थिति है कि एक साल में 1,26,00,000 थी, जिसके एवज में उन्होंने 70,00,000 का भुगतान भी किया है। 30,00,000 तो उनका डिस्प्यूट चल रहा है अभी मीटरिंग के कारण, जो जल्द ही सुलझा लिया जाएगा। और सरकारी भवनों पर लगभग सभी का बकाया भुगतान होगा? सरकारी भवनों पे लगभग सारे का मार्च के महीने में भुगतान हो जाता है, बाद बाकी के यहाँ महीने महीने में बिल आते हैं, कुछ जगहों पे बकाया। क्या नाम हुआ आपका सर? मेरा नाम अरविंद कुमार हुआ। क्या है? विद्युत कार्यपालक अभियंता हुए शेखपुरा।